Hello students, now we are going to start our new topic, that's name is redox reaction. इस टॉपिक में बच्चों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो हम इसको क्लियर करते हैं कहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है और क्या प्रॉब्लम आती है इसमें. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिडोक्स रिएक्शन. हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, रिडोक्स रिएक्शन एक वो रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और साथ में रिडक्शन भी होता है. एक सेम रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ प्रोसेस कंटिन्यू रहते हैं, कंटिन्यूसली चलते हैं. अब जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है, लेड ऑक्साइड कार्बन, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इज लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है. बैलेंसिंग करने के लिए मैं आपको एक और वीडियो डालूंगी जिसमें आपको अच्छी तरह से बैलेंसिंग सिखाई जाएगी. अब यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया लेकिन लेड बैलेंस नहीं है, वो भी हमने बैलेंसिंग कर दिया है. अब यहाँ पे हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, रिडक्शन कहाँ हुआ है. ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अब आप चेक कीजिए, कार्बन यहाँ है और कार्बन से हमारे पास प्रोडक्ट ने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड. क्या कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी है? यस, ऑक्सीजन जुड़ी है. तो यहाँ पे कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है हमारा, ऑक्सीडेशन. कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है यहाँ. ऑक्सीडेशन के बाद हम बात करते हैं रिडक्शन की. रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अब आप चेक कीजिए इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन कहाँ थी, लेड ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन थी और लेड के पास यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, नहीं है. तो क्या इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका है? यस. तो लेड ऑक्साइड से लेड बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन. ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे अगर मैं आपसे अलग रिएक्शन करके लिखवाऊँ इसमें कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ है, रिडक्शन कहाँ हुआ, तो आप लिख सकते हो कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनना, ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन. और रिडक्शन में क्या हुआ है, लेड ऑक्साइड से प्रोडक्ट में क्या बना हमारे पास, लेड. ये हो गया है रिडक्शन. अब इसके बाद आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाम से पता चल रहा है कोई एक ऐसा एजेंट है, कोई एक ऐसा मीडियम है जो ऑक्सीडेशन करवाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है तो अपने आप से क्या होगा, अगर ऑक्सीजन इसने दे दी है किसी दूसरे सब्सटेंस को, रिएक्टेंट को, तो खुद क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. और जिसके पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको हम क्या बोल देते हैं, रिडक्शन बोलते हैं. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं और ऑक्सीडेशन करवाने के बाद अपने आप से रिड्यूस हो जाते हैं, उन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब आप इस रिएक्शन में चेक कीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन किसके पास है, लेड ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है. ठीक है, तो सप्लाई कौन करेगा ऑक्सीजन की, लेड ऑक्साइड ही कर पाएगा. किसको करेगा, कार्बन को करेगा. प्रोडक्ट में चेक करो ना आप, कार्बन के पास ऑक्सीजन चली गई है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे किया जाता है कि इसमें से, इस रिएक्शन में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को फाइंड आउट कीजिए. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ हमारा, जिसके पास ऑक्सीजन है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हमारे पास, लेड ऑक्साइड. अब देखो लेड ऑक्साइड से बना क्या हुआ, रिएक्शन के अंदर लेड बना हुआ है. रिएक्टेंट में लेड ऑक्साइड हमारे पास क्या था, ऑक्सीजन थी. और प्रोडक्ट में इसके पास क्या हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गई है. तो ऐसा एजेंट जो ऑक्सीजन को किसी दूसरे रिएक्टेंट को दे देगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑक्सीजन थी और अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है. तो इन एजेंट्स को जो ऑक्सीजन ऐड करवाते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, इट सेल्फ गेट रिड्यूस्ड, उन एजेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट. इसी के बिल्कुल अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बन, अगर इस रिएक्शन के अंदर कार्बन नहीं होता तो क्या यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होती, नहीं होती. तो किसने करवाया है यहाँ पे रिडक्शन, कौन है रिडक्शन करवाने में हेल्प कर रहा है, कार्बन. तो कार्बन यहाँ पे क्या होगा हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट. दोज एजेंट विच हेल्प इन रिडक्शन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर इनके पास से ऑक्सीजन इन्होंने रिमूव कर ली है तो प्रोडक्ट में इनके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगी. तो आप चेक करो, रिएक्टेंट में कार्बन था और प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बन चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन. तो रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज. आप चेक करो यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है इसके पास, ये अपने आप से क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे.
तो यही डेफिनेशन होती है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनके पास ऑक्सीजन किसी को दे देंगे और खुद से रिड्यूस हो जाएंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट जो ऑक्सीजन को रिमूव करवा लेंगे. और ऑक्सीजन रिमूव करवाएंगे तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी. और एक सिंपल तरीका आपको मैं बता देती हूँ कैसे आप ध्यान रखेंगे, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है वो हमेशा कैसा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और जहाँ पे रिडक्शन हुआ है वो हमेशा कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो कार्बन एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट है और लेड ऑक्साइड आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब इस रिएक्शन के अंदर, सेकेंड रिएक्शन के अंदर हम चेक करेंगे, आपको ट्राई करना है इसके अंदर कि कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड आउट करें. तो नेक्स्ट देखिए, कॉपर ऑक्साइड है आपके पास, हाइड्रोजन है. अब यहाँ पे पहले ऑक्सीडेशन देख लेते हैं. हाइड्रोजन से वाटर बनना, ऑक्सीजन ऐड हो गई है ना इसके पास, स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं थी, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका ऑक्सीडेशन. यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन थी इसके पास लेकिन ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, हट चुकी है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन. तो यहाँ पे हमारा हुआ है रिडक्शन. अब आप बताइए मुझे यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यहाँ पे ऑक्सीजन किसके पास है, कॉपर ऑक्साइड के पास, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसने ली है हमारी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ने. तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन, इस सेकेंड रिएक्शन के अंदर. अब थर्ड रिएक्शन चेक करते हैं हम, थर्ड रिएक्शन के अंदर क्या है कि फेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट इज आयरन और वाटर. यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड हुई आपकी, हाइड्रोजन से वाटर बना है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ऑक्सीडेशन. और यहाँ फेरिक ऑक्साइड से फेरस आपका फेरिक बना है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया आपका, रिडक्शन. लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन में, थर्ड रिएक्शन में आपसे पूछती हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, बता पाएंगे आप, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, फेरिक ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, हाइड्रोजन. ओके, आप ऊपर वाली रिएक्शन में यहाँ पे भी रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन था, और यहाँ पे भी रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, हाइड्रोजन. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन. कोरोजन के बारे में आपने सुना भी होगा कि रस्टिंग के बारे में, कि आयरन है उसके ऊपर रस्ट लग जाती है. तो कोरोजन ओनली मेटल्स में ही होगा आपका, ये नहीं है कि ओनली आयरन के अंदर ही आपका कोरोजन होता है. कोरोजन आपका किसी भी मेटल के अंदर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है. एक ऐसा प्रोसेस है जो किसके अंदर होता है, मेटल्स के अंदर, और जिसके अंदर क्या हो जाता है, जो मेटल की सरफेस है, मेटल की सरफेस धीरे धीरे उसकी स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ के साथ किसी ना किसी चीज़ की रिएक्शन हो जाएगी. जैसे कि रिएक्शन किस चीज़ की होगी आपकी, एक्शन ऑफ एयर. हमारे एयर के अंदर कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कई सारी ऐसी गैसेस, ऑक्सीजन गैस है, सल्फर है, सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो क्या करेंगे, हमारी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे. इसके अलावा मॉइस्चर, पानी है हमारी एयर के अंदर, और हमारे केमिकल्स जो क्या करते हैं, उनकी सरफेस को लगातार धीरे 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 उसकी सरफेस को क्या कर देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं, वीकनिंग कर देते हैं. मेटल हमारी ख़राब हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है सरफेस से. तो एग्जांपल देखते हैं हम. फर्स्ट एग्जांपल आप सभी को पता है, रस्टिंग ऑफ आयरन. जब आयरन की रस्टिंग होती है तो उसके ऊपर क्या है, एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड. इसके लिए आप चेक करें, आपके पास लाइक आयरन है, आपका मॉइस्चर है एयर के अंदर, और साथ में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस. ये तीनों आपस में रिएक्शन करेंगी तो आपका बनता क्या है, फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन. और ये क्या आपका, रस्ट. मेटल थी आपकी, किसने रिएक्शन की, एटमॉस्फेयर से, मॉइस्चर ने, एयर ने. और एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि क्या आयरन इनमें से किसी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन करके रस्टिंग फॉर्मेशन करता है, नहीं, उसको मॉइस्चर की भी जरूरत होती है और साथ में एयर की भी जरूरत होती है, तभी ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, तभी जाके आपका रस्टिंग पॉसिबल है मेटल के अंदर. और कौन से मेटल की बात की जा रही है अभी यहाँ पे, आयरन. उसके बाद दूसरा आपका है
आपने चेक किया होगा सिल्वर जो कि हम घर पे भी यूज़ करते हैं, मेटल है हमारी, चांदी बोलते हैं इसको हम। सिल्वर भी क्या करता है, कई बार ब्लैकिश पड़ जाता है, ये काला रंग पड़ जाता है सिल्वर का। ये किस वजह से होता है कि हमारे एयर के अंदर जो सल्फ़र है उससे इसकी एडिशन होके सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, और सिल्वर सल्फाइड की वजह से जो इसका कलर है वो कैसा आ जाता है, ब्लैक कलर। तो जो आप चांदी के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग देखते हैं ना, वो एक्चुअली में वो सिल्वर नहीं है, उसके ऊपर क्या बन चुका है, कोरोइजन हो चुका है। और कोरोइजन के किसके साथ हुआ है, सल्फर के साथ मिलके हुआ है, और बना क्या है उसका कोरोइजन के बाद सिल्वर सल्फाइड। इसकी वजह से आपका जो मेटल है आपको ब्लैक कलर का नजर आना शुरू हो जाता है। और सबसे और सिंपल एग्जाम्पल जो आप सभी ने देखा भी होगा, कॉपर के साथ। कॉपर क्या करता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और जो मॉइस्चर है, इसके साथ रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट की फॉर्मेशन करता है। और कॉपर कार्बोनेट आपने देखा होगा ना, कई बार हम कॉपर की रिंग भी डालते हैं तो रिंग के नीचे हमारे पास एक ग्रीनिश कलर की कोटिंग आ जाती है। और जो ये ग्रीनिश कलर की कोटिंग है, ये किस चीज़ की, ये ग्रीनिश कलर की कोटिंग, दिस इज़ द कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पे मेटल थी हमारी आयरन, कोरोइजन होने के बाद बना क्या है, रस्ट। मेटल है हमारी सिल्वर, रस्टिंग होने के बाद मतलब इसके कोरोइजन के बाद बना क्या है, सिल्वर सल्फाइड। मेटल है हमारी यहाँ पे कॉपर, और यहाँ पे कोरोइजन के बाद यहाँ पे बना क्या है, कॉपर कार्बोनेट। तो एक तरह से हमारी जो मेटल है इसे वेस्टेज ही हो रहा है, हमारी मेटल ख़राब होती जा रही है। तो अब क्या करें हम कि कोरोइजन से बच पाएँ, क्या किया जाए। आपको पता ही होगा कोरोइजन से बचने के लिए हम ऑयल अप्लाई कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, मेटल्स के एलोइज बना सकते हैं, और गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, हम जिंक की कोटिंग कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास कि जिससे हम मेटल को, रस्टिंग को, कोरोइजन को स्लो डाउन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि जो आपका ऑयल और फैट कंटेनिंग जो फूड होता है, जो काफ़ी लंबे टाइम के लिए रखा रहे, तो उसमें से एक अजीब सी तरह की स्मेल, उसका टेक्सचर, उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। तो फैटी फूड का एक तरह से आप लगा लो कि ख़राब होना या उसका थोड़ी उसके अंदर बदबू आना, उसको क्या बोला जाएगा, रेंसिडिटी, बासी हो जाना खाने का। और कौन सा खाना, ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड, तो इसको क्या बोलेंगे, डिटेरियोरेशन ऑफ द फैटी एंड ऑयल कंटेनिंग फूड। और जो ये प्रोसेस है, जो रेंसिडिटी हुई है यहाँ पे, किस वजह से रेंसिडिटी हुई है, ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड हो गई है किसके साथ, हमारे फैटी फूड के साथ, ऑयल कंटेनिंग फूड के साथ। और जब इनके साथ ऐड हुई है हमारी ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से हमारे खाने का जो स्मेल है वो कैसा हो जाएगा, अनप्लीजेंट हो जाएगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा वो स्मेल। और उसके बाद जो उसका टेस्ट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को अब हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ को रिटार्ड कर सकते हैं, रेंसिडिटी को कैसे बचा जा सकता है रेंसिडिटी से। तो इसके लिए आपका फर्स्ट है कि बाय फिलिंग द नाइट्रोजन गैस इन द चिप्स कंटेनर। आपने देखा भी होगा जब हम घर पे कोई भी पैक्ड फूड लेके आते हैं, तो जैसे उसको ओपन करते हैं तो कोई गैस रिमूव होती है उसके अंदर से। अब वो कौन सी गैस है जो उसके अंदर से निकलती है, वो गैस है हमारी नाइट्रोजन गैस। अब भाई ऑक्सीजन गैस क्यों नहीं फिल की, क्योंकि ऑक्सीजन गैस ऑलरेडी क्या करती है, ऑक्सीडेशन करती है, वो फैट को ख़राब कर देती है, ऑयल को ख़राब कर देती है वो। तो यहाँ पे कौन सी गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन गैस। अब ये नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारी नॉन रिएक्टिव गैस है, इनर्ट गैस है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है। तो इसके लिए आपका जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस से हम अपने फैट कंटेनिंग फूड को रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। दूसरा है जो हम घर पे करते हैं, मोस्टली हम कॉमन डेली लाइफ में यूज करते हैं इस तरीकों को। घर पे आपने देखा होगा ना, किचन के अंदर हम जो भी सामान लेके आते हैं उसको डिब्बे के अंदर, एयर टाइट डिब्बे के अंदर उसको डाल देते हैं एयर टाइट, या फिर उसको लाइट से प्रोटेक्शन करते हैं, पैकेजिंग कर देते हैं हम खाने की। तो एयर टाइट कंटेनर का यूज़ करके या फिर लाइट प्रोटेक्टिंग पैकेजिंग करके हम क्या कर सकते हैं, अपने खाने को या फिर जो अपना ऑयल कंटेनिंग फूड है उसको हम रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि और किस तरीके से रेंसिडिटी को बचाया जा सकता है, खाने की रेंसिडिटी को, बाय यूजिंग द एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटी लग गया है मतलब हम ऑक्सीडेंट ऐसी चीज़ें डाल देंगे अपने खाने के अंदर कि जो ऑक्सीडेशन होने नहीं देंगे, जो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती हैं, आपके कुछ एक विटामिन से लाइक विटामिन ए है, विटामिन सी है, जो कि हमारे रेंसिडिटी को स्टॉप कर देते हैं, ये ऑक्सीडेशन को नहीं होने
होने देते हैं, जिससे हमारा खाना है जो कि ख़राब होने से बच जाता है। तो आपके जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन निकल के आते हैं, जो भी हमने टॉपिक किया है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ लिया जाता है आपसे, रिड्यूसिंग एजेंट पूछ लिया जाता है आपसे, आपसे डेफिनेशन लिखवा ली जाती है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और इसके अलावा आपसे जो यहाँ से जो आपके तीन क्वेश्चन बन के आते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, या फिर कलर क्या होता है, आपने देखा होगा ना जो कलर है। उसके अलावा आपसे पूछ लेंगे कि जो सिल्वर के ऊपर जो सिल्वर सल्फाइड बनता है उसका कलर कैसा है, क्या चीज़ है वो, और जो रस्टिंग होती है, कोरोजन होता है आपके सिल्वर के ऊपर, उसका नाम क्या है। आप याद रखेंगे सिल्वर सल्फाइड नाम है, ब्लैक कलर की कोटिंग है, और जो कॉपर के ऊपर जो कोरोजन होता है उसका प्रोडक्ट का नाम क्या है, कॉपर कार्बोनेट है, कैसे कलर का है वो, ग्रीनिश कलर का है वो। और अब जो हमारा एक टॉपिक बचता है इस चैप्टर से, वो है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस। उसको हम अच्छी तरह से एक अलग वीडियो डाली जाएगी उसके लिए आपकी, और थोड़ा वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।